और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा, लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, ख्याति देवी। ख्याति देवी, ख्याति देवी से कहा कि ख्याति आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण, हाँ तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछ रही लक्ष्मी तू रोती क्यों है, मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो, कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो, ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती, दीपावली पर सरस्वती गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है। आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी भरी जाए। अपूर्ण लक्ष्मी नहीं, पूर्ण लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में, और पड़ोसी आकर कह दे कमला दे दो, अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है, जरा सोचो तो सर ही मांगने से पहले। भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो, भगवान के मंदिर में जाकर कहना हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है, नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना, तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर कहते हो लक्ष्मी दे दो, हमारा संबोधन भी तो देखा जाए।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार का।